आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एस एन मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 से पीड़ित मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग किया गया है, जिसके बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुका है, जिसको लेकर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर नीतू चौहान ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कोविड-19 के उन मरीजों से गुहार लगाई है जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जो मरीज हमारे यहाँ एडमिट थे डॉक्टर अजीत सिंह चाहर के अंडर में कोविड वार्ड में, उनका नाम रवि चतुर्वेदी है। वो 52 वर्ष के हैं तथा हलवाई की बगीची के निवासी हैं। 9 जुलाई को उनको प्लाज्मा की फर्स्ट डोज दी गई तथा 10 जुलाई को उनको प्लाज्मा की सेकेंड डोज दी गई। प्लाज्मा की डोज देने के उपरांत उनके जो ऑक्सीजन का स्तर था, इम्प्रूवमेंट हुआ उनके ऑक्सीजन कैपेसिटी में, और उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो 5 लीटर से घटकर 2 लीटर रह गई। 5 दिन बाद लगभग 13 या 14 तारीख में उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल हटा दी गई थी 2 डोजेज़ के बाद, और 23 तारीख को वो डिस्चार्ज हो गए। अभी वो घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी वो खुश हैं, लोगों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए और वो मोटिवेट भी कर रहे हैं। क्या लगता है कितने परसेंट प्लाज्मा थेरेपी कामयाब रही है अभी? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी है, अभी इसका कुछ भी फुल प्रूफ रिजल्ट्स ICMR की तरफ से डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। अभी ये ट्रायल में ही है, मतलब हम अभी पूरी तरह से 100% नहीं कह सकते कि ये थेरेपी बिल्कुल सक्सेसफुल है। जो भी रिजल्ट्स हैं ICMR के डिक्लेरेशन के बाद ही सामने आएंगे। प्लाज्मा डोनेशन के पश्चात हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है, जिसको प्रधानाचार्य सर के माध्यम से हस्ताक्षरित किया गया है, तथा एक मेडल जो हमारे कॉलेज की तरफ से प्लाज्मा डोनर को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि डोनर्स को एप्रिसिएशन मिले तथा उन लोगों को भी आगे आने के लिए थोड़ा मनोबल मिले कि हाँ गवर्नमेंट हमारे कार्य की प्रशंसा कर रही है। इसलिए मैं चाहूँगी कि अधिक से अधिक लोग प्लाज्मा डोनेशन अभियान से जुड़ें।